या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 657। या अली मदद, 13th डे ऑफ मे ईयर 2004, माय वर्जिन डॉन मिल्स जमात खाना इन टोरंटो। आज मुझे बहुत खुशी है, डॉन मिल्स की जमात मेरे सीने में लगी हुई है। मैं इधर रहा हूँ, आपकी मोहब्बत देख के खुशी होती है। सुखी रहो, आबाद रहो, तंदुरुस्त रहो, ईमान से भरे रहो, नूर से भरे रहो, नेकू में दे मौला, खुशियां और बरकत मेरी सब दुआ है। यार घर लिखी देव जग मेड़ो जियो मेड़ो तेतरी आसान यार शाहजा दीदारी सेवक जुगा जश्मो मने के जिन्हें लदड़ोई भेद बोला ने हाजिर इमाम पे सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जुमेरात है, जुमेरात हफ्ते का यानी वीक का आखिरी दिन है और वीक का पहला दिन है वो जुमा है। इस्लाम के हिसाब से शाम को 6 बजे डेट बदल जाती है और जनरल जो इस वक्त यूनिवर्सल कैलेंडर है रात को 12 बजे डेट बदलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब सबसे पहले सूरज जमीन पे चमका तो वो शुक्रवार का जुमे का दिन था। लेकिन फर्क क्या है कि यूनिवर्सल कैलेंडर जो हम रोज आज चला रहे हैं रात को 12 बजे डेट चेंज होती है तो एक 24 घंटे का जो दिन है पहले 6 घंटे रात होती है फिर 12 घंटे दिन होता है फिर 6 घंटे रात होती है। लेकिन इस्लाम के हिसाब से 24 घंटे के दिन के आधा पहला जो है 12 घंटे वो रात के हैं और दूसरा आधा जो है वो दिन होता है, लाइट होती है। तो आज इस वक्त ये जुमे की रात है, हम इसको जुमा रात कहते हैं दिन को, लेकिन आज जो है ना वो फ्राइडे नाइट है और सुबह 6 बजे तक फ्राइडे नाइट है और फिर 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक फ्राइडे का दिन है। इसलिए हमारा जो इस्माइली तरीका है, मैं वाजों में बहुत दफा कहा करता हूँ कि हमें अपने मजहब का पता नहीं है मगर सीखना चाहिए। देखो मोमिनों, जब दिन उगता है यानी दिन का भी उगता है डेट के हिसाब से कहता हूँ, शाम को तो शाम को जो हम दुआ पढ़ते हैं हम उसको पहली दुआ कहते हैं, फिर रात के 12 बजे तक सुनने की जो दुआ है वो दूसरी दुआ है, उसको अरबी के अंदर पहली दुआ को सलातुल मगरिब कहते हैं और दूसरी दुआ को सलातुल अशा कहते हैं, और फिर जब ये रात खत्म होती है और दिन शुरू होता है तो एक दुआ और है वो सलातुल फजर है, सुबह की दुआ है। तो हम जब ये रात शुरू होती है हम दुआ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, जब ये दिन शुरू होता है हम इबादत करते हैं, जब ये एक वीक शुरू होता है जैसे कि इस वक्त आज हम इबादत करते हैं, जब ये महीना शुरू होता है हम इबादत करते हैं वो चंद रात का है, और फिर जब ये साल शुरू होता है तो नौरोज का दिन मनाते हैं। समझे, खुदा ताला की सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर इसकी जो मूवमेंट्स है कॉस्मोस की उसके साथ हमारी इबादत बंदगी लगी हुई है।
यानी जब शाम होती है हम इबादत करते हैं, दिन शुरू होता है इबादत करते हैं, वीक शुरू होता है इबादत करते हैं, महीना शुरू होता है इबादत करते हैं, साल शुरू होता है हम इबादत करते हैं। तो गुरु के सदर दिन माँ बाप ने हमको ये हुक्म किया कि जब वीक शुरू हो गए यानी थर्सडे खत्म हो गया और फ्राइडे शुरू होता है जैसे कि आज, तो इमाम की तारीफ किया करो। उसको कहते हैं चौगड़िया। एक्चुअली चौगड़िया क्या है? हिंदुस्तान के अंदर कोई लड़की की या लड़के की मंगनी करनी होती है तो ज्योतिषी के पास जाती है, जरा चौगड़िया काट दीजिए ना, यानी ऐसा अच्छा वक्त निकाल दो कि उस अच्छे वक्त में ब्लेस्ड टाइम के अंदर मैं अपने लड़के लड़की की शादी करूं, कुछ भी करूं या मकान वगैरह बनाया जाए, खुशी की चीजें हम उस वक्त कहते हैं, वो एक घंटा या डेढ़ घंटा वो खुशी का जो होता है ना उसको चौगड़िया कहते हैं। लेकिन एक और चीज है, बादशाह का जो महल है राजा का, हर रोज शाम और सुबह, शाम को 6 बजे सुबह 6 बजे बहुत बड़ा ड्रम होता है जिसके ऊपर आदमी खड़ा हो जाता है और उस ड्रम के ऊपर चढ़ के उसको बीट करता है, उसको कहते हैं नौबत। नौबत कभी कभी कोई ऑर्केस्ट्रा जो होता है ना तो वो आदमी उसके ऊपर चढ़ के उसको ड्रम को बजाता है, क्योंकि वो 6-7 फुट ऊंचा होता है, 8-10 फुट जितने सर्कमफेरेंस में होता है, तो बादशाह की नौबत बजती है। उसके दो मतलब होते हैं, तो ये है कि अभी दिन खत्म हो गया रात शुरू होती है, लेकिन नौबत का ये मतलब है कि बादशाह की जो किंगडम है वो कायम है, वो कंटिन्यू है, बादशाह मर नहीं गया, चला नहीं गया, बदल नहीं गया, बादशाह की जो किंगडम है अथॉरिटी जो है वो कायम है, इसको शाही नौबत कहते हैं। हमारे चौगड़िये शाही नौबत है। शाही नौबत इसलिए कि ये तो शहनशाह है, मौजूद है, इसकी तो बादशाही कभी खत्म ना हुई है न होने वाली है। ए स्वामी सरीखो राजियो, नहीं कोई थयो नहीं कोई था से जी, स्वामी सरीखो राजियो, ना इस जैसा कभी हुआ है न होगा। तो ये चौगड़िया इसकी नौबत है, इसकी नौबत यह है कि इमाम की इमामत कायम है। 600 बरस से हम ये चौगड़िया बोलते चले आए हैं, लेकिन हमने कभी समझा नहीं 5 चौगड़िये सांझ के हैं और 24 चौगड़िये सुबह के हैं। चौगड़िया का मतलब वो वक्त के जो बहुत ही ब्लेस्ड टाइम है, मुबारक वक्त है, उस मुबारक वक्त को क्यों मुबारक वक्त है कि हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, इसलिए वो मुबारक वक्त है। पीर ने जो 5 चौगड़िये बनाए उसमें इमाम की सिफत ही सिफत है, इसको कसीदा कह सकते हो, लेकिन कसीदे और इसमें फर्क ये है कि यहाँ पीरों ने हमको इन 5 चौगड़ियों के अंदर हमको उसकी बादशाही, उसकी हकूमत, उसकी किंगडम, उसकी अथॉरिटी याद कराई है। इस वक्त सारी दुनिया के अंदर गुनाह, बचियां, खराबियां, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। बादशाह की बादशाहत के अंदर किसी छोटे इलाके में ऐसे बदमाश लोग, डाकू लोग खड़े हो जाते हैं और वो लूटपाट करते हैं, तो जब ही बादशाह को खबर होती है तो बादशाह फिर फौज भेजता है उनको खत्म करने के लिए और अपनी रियाया को सुख देने के लिए। एग्जैक्टली सेम चीज हमको हमारे पीरों ने कहा है कि ये कलयुग है। और देखो मैं आपको बोलूं, कलयुग को 7,500 बरस हुए, 7,500 पूरे नहीं हुए, कब हुए एग्जैक्टली बोलूं तो 7,206 बरस हुए हैं। कलयुग बैठा उसको 7,206 बरस हुए आज, लेकिन 4,00,000
25,000 बरस बाकी हैं कलयुग के, 425,000 ईयर्स कलयुग के बाकी हैं, लेकिन ये सदी जो आज हम पसार कर रहे हैं ये वक्त सबसे खराब है ह्यूमन हिस्ट्री में। गए लाख बरस की हिस्ट्री में ऐसा खराब वक्त कभी नहीं आया जैसा कि इस वक्त पसार हो रहा है। मैं आज 10 बरस से जमातों को कहीं भी जाता हूँ तो थोड़ा बहुत जरूर मैं वार्निंग देता रहता हूँ, और आज तो खास तौर पे ये मैं कहता हूँ कि आने वाले 100 बरस दुनिया पर बड़े खराब हैं। गुना बढ़ेंगे, बदियां बढ़ेंगी, ख्यालात बढ़ेंगे, खौफ बढ़ेगा, डर बढ़ेगा, मुंझारा बढ़ेगा, पागलपन बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगी, भूख भरेगी, बीमारियां बढ़ेंगी, आसमान से हवाओं चलेगी बर्बाद करने के लिए, जमीन से जो धरती कंप जो है ना अर्थक्वेक होंगे बर्बादी के लिए। ये तमाम खुदा ताला की जो पावर है वो इस सदी के आखिर तक होगी, बहुत बर्बादियां होगी। लेकिन एक छतरी है बहुत बड़ी, उसके नीचे बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होगा, और वो छतरी मेरे मौला का छतर है। इसका छतर है, इसके नीचे आ गए तो हमें कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। यही थीम हमारे इन चौगड़ियों के अंदर है, यही थीम। और चौगड़ियों के अंदर पीर ने एक और कमाल किया है, हमको बताया है कि भला वो वक्त कब आएगा कि जब इमाम तख्त के ऊपर बैठेगा। फिर कहते हैं जुमेरात का दिन होगा, यानी थर्सडे होगा, और उसकी तारीख भी दी है और टाइम भी दिया है। इसकी इसी चौगड़िए के अंदर फिर कहते हैं जो गुरुवार है ना, गुरुवार उसकी सांझ, यार जानी शाहजा वीर है कंदा, शाह परने जियो परने त्रिभुवर लाय, यार तिथ सतई माँ रोहण नक्षत्र संज थावर थावर, जो मेरा आपको कहते हैं संज थावर जियो परने त्रिभुवर लाय। तो वो वक्त हमको पहले से कहा पीरों ने, वो वक्त की तैयारियां हो रही हैं, वो वक्त आने वाला है। हर दुनिया के अंदर जितने भी मजहब वाले लोग हैं वो ये जानते हैं कि दुनिया खराब हो जाएगी तो फिर कोई एक सबको राहत देने वाला खड़ा होगा। नकलंकी कहो, इमाम मेहदी कहो, जीसस कहो, मसाया कहो, लेकिन एक आने वाला, ये सब चार पांच इकट्ठे नहीं होंगे, एक ही होगा। यहूदी लोग मसाया कहते हैं, क्रिश्चियन लोग जीसस का नाम लेते हैं उसको भी मसाया कहते हैं, हिंदू निकलंकी का नाम लेते हैं, मुसलमान मेहदी के लिए इंतजार करते हैं। लेकिन हमको पता है कि रूम में बैठा हुआ सिर्फ बाहर निकलने की बात है। ऐ मोमिनो, ऐ भाइयो, ऐ दोस्तों, शाहजा दीदारी सेवक जुगा जुग, क्योंकि ये जुगा जुग है, इसकी ज्योत इसका नूर हर जमाने में है, कभी मिटा नहीं है, कभी मिटने वाला नहीं। हर जमाने में ईमान की ज्योत है, कपड़े बदल देते हैं क्योंकि इंसानी बदन जो है वो बहुत बहुत तो 100 बरस जिएगा। नबी भी गुजर गए, इमाम भी गुजर गए, लेकिन हम हाजिर इमाम के बदन को इमाम नहीं कहते। 22 वर्ष की उम्र से पहले, 11 जुलाई 1957 से पहले हम इसको इमाम नहीं कहते थे, हालांकि बदन तो था। तो कौन सी चीज हुई कि ये इमाम बन गया? इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने विल की कि आई अपॉइंट माय ग्रैंड सन सन ऑफ माय सन अली सोलोमन खान टू इनहेरिट मी टाइटल ऑफ आगा खान एंड आई अपॉइंट हिम एज इमाम एंड पीर ऑफ माई फॉलोवर्स इस्माइलियंस। मैं
इस अपने पोते को इमाम और पीर बनाता हूँ अपने मुरीदों के लिए, जो खुद इमाम सुल्तान मोशा के पास था। हमारा मजहब सारा नूर के ऊपर निभर रहा है, बदन को नहीं। बदन तो कपड़े हैं, एक कोट उतार के दूसरा पहन ले रहे, आदमी तो वही है ना, वो नहीं बदलता। मौलाना हाजर इमाम दुनिया भाने बूढ़े हो रहे हैं, इंशाल्लाह आप सब, मेरी दुआ है आप सब, चाहे आपकी कितनी भी उम्र है, मेरी दुआ है, ये 7 बरस, 7 नहीं अभी 3 बरस बाकी हैं, गोल्डन जुबली देखोगे इंशाल्लाह देखोगे। हमारा इस्माइली तारीखा जो है उसकी सारी बेस फाउंडेशन नूर की मोहब्बत है। हम अपने मौला को प्यार करते हैं, हम अपने मौला को चाहते हैं, इसका फरमान मानते हैं क्योंकि हम इसको प्यार करते हैं, इसकी इज्जत करते हैं क्योंकि हम इसको प्यार करते हैं, इसके लिए हम दुख उठाते हैं क्योंकि हम इसको प्यार करते हैं, हम इसकी खिदमत सेवा करते हैं क्योंकि हम इसको प्यार करते हैं, हम हर वो चीज करने को तैयार हैं कि जिससे ये खुश होता हो। इसकी नाराजगी हमें पसंद नहीं, पसंद तो ठीक, तो हम टॉलरेट भी नहीं कर सकते इसकी नाराजगी को, हम डरते हैं कि ये नाराज ना हो जाए। और ये जो डर है ये मोहब्बत की वजह से होता है। ऐ मोमिनो, जो रिखी सर हैं यानी मोमन हैं, जो हजर इमाम को मानते हैं, उनको हमारे पीरों ने रिखी सर कहा है, मोमन कहा है। यार घर रिखियन दे बधाइयां, रिखियों के घर में मुबारकें बधाइयां। इस युग के अंदर, इस वक्त के अंदर, वो वक्त आने वाला है, पिसदरदीन माँ बाप कहते हैं कि तुम इस बात की तैयारी करो कि दुनिया के अंदर जो इस वक्त अंधकार फैला हुआ है, आप तो टीवी देखते हो, पेपर पढ़ते हो, न्यूज सुनते हो, मैं आपको के कोई मीडिया की बात कहना नहीं चाहता, लेकिन एक बात जरूर है कि आज हम नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा गुनाह ये नॉर्थ अमेरिका में होते हैं और यहां से एक्सपोर्ट होते हैं दूसरी जगहों के ऊपर। ये वो इलाका है जहां हम रहते हैं, देखो हमारी गवर्नमेंट ने भी ये गे लोगों की शादी कबूल कर ली है, शादी के बगैर शादी हमारे मजहब में हराम है, लेकिन गवर्नमेंट ने बना दिया। ऐसे तो कई चीजें हैं कि जो इधर के गुनाह बढ़ते जाते हैं। औरतें, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएं हैं, लेकिन याद रखो जो गैर लोग हैं उनके हालात से शर्म निकल गई, शर्म निकल रही है, निकल गई, निकल रही है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि गुनाह बढ़ रहे हैं, बेशर्मी बढ़ रही है, बदियां बुराइयां बढ़ रही हैं, शैतान का जोर बढ़ता जाता है। हज़रत इमाम ने हमें इशारा किया है कि गैरों की बात को कबूल मत करो, अपने मजहब पे चलो, अपने कल्चर पे चढ़ो, अपने प्रणाली का के ऊपर चढ़ो। कितने फरमान उसने किए हैं कि तुम्हारे बाप दादा की जो ट्रेडिशंस है उसके ऊपर चलो, बाप दादा की ट्रेडिशंस पे चलो। हमारे बाप दादा की ट्रेडिशंस पूछो अपने वडीलों को, हमारे बाप दादा की ट्रेडिशन ये थी, हक उठाते थे, चोरी नहीं करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, गरीब थे लेकिन नेक थे। आज सबसे ज्यादा हमें लोभ लालच बन गया है और इस लोभ लालच की वजह से हमने बहुत सी भूलें भी की हैं और कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। पीर हमको जगाते हैं, अच्छे बनो, नेक बनो, पाक बनो, पवित्र बनो,
क्योंकि हम नूर परस्त है। कोई मजहब इस वक्त दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो नूर की बातें करता हो इस्माइलियों के सिवा, और हमारे इमाम के फरमानों में भी यही है, नूर की शनाखत, नूरानी बनो, नूर के अंदर रहो, नूर के अंदर सोओ, नूर के अंदर चलो हिरो फिरो, चारों तरफ नूर ही नूर होना चाहिए, और नूर में बदी बुराई नहीं, शैतानियत नहीं है। आज ही रोटी खाओ, मैं आज कई बरसों से यह फॉर्मूला बोलता रहता हूँ, आधी रोटी खाओ, सुख की खाओ, फटे हुए कपड़े पहनो लेकिन सुख के, कमाई करके खाओ। ए मोमिनो, आज मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे जैसे दुनिया खराब होती आएगी गुनाह बढ़ते जाएंगे, लेकिन एक और बात बोल रहा हूँ कि जो इस्माइली है ना, इस खराब जमाने में, इस बदी और गुनाह के जमाने में हज़र इमाम के जो मुरीद हैं, दिन ब दिन उनकी चढ़ती होती जाएगी, दुनिया में भी दीन में भी, और हो रही है। वो इलाके के जहां हजार साल से इमाम कभी गए नहीं, दीदार नहीं किया, जैसे कि ये ताजिकिस्तान है और सेंट्रल एशिया के अंदर, हजार साल 1100 साल से उन्होंने दीदार नहीं किया। मैं 94 में ताजिकिस्तान गया तो खोरोग से पहले एक जगह है कि जहां हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम आए थे, और उसकी जगह पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी आए थे। इमाम मोहम्मद बाकिर के बाद हाजर इमाम 95 में गए उधर, बीच में कोई इमाम नहीं गया, और 1100 साल से इन लोगों ने अपना ईमान सलामत रखा, 1100 साल से ईमान की मोहब्बत में रहे, 1100 साल से उसका जाप करते रहे, 1100 साल से आंख बंद करके उसको देखते रहे, हालांकि जहर में उन्होंने कभी देखा नहीं था। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने 1100 साल से सख्त दुख उठाए हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ो तो अली से लेके हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तक बनी उमैया का टाइम था। अबू सुफियान और उसकी औलाद ने हमारे इमामों को बहुत दुख दिया, आखिर 90 साल की हकूमत करके मर खप गए, लेकिन अब्बासी आए जो अली मोहम्मद के सगे थे। हजरत अब्बास जो थे वो अली के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा होते थे, हजरत अब्दुल मुतलब के बेटे थे, हजरत अबू तालिब के भाई थे। इसकी औलाद ने भी अली और नबी की औलाद को दुख दिए। 800 साल तक दुश्मनी की इन्होंने, बनी अब्बास 800 साल तक चले, और इसी वजह से हमारे ये जो सेंट्रल एशिया के जो इस्माइली भाई हैं, ये छुप जाते थे, अपने आप को इस्माइली नहीं कहलाते थे। अगर पता लग जाता था कि ये इस्माइली है तो बाल बच्चे समेत मार डालते थे, बाल बच्चे समेत मार डालते थे, और उनको पता लगना चाहिए कि ये इस्माइली है। इसके बाद और कोई उसके ऊपर इल्जाम की बात ही की नहीं है, बस इस्माइली है ना। सिर्फ एक आदमी को मारे तो चले, बाल बच्चों के साथ मार देते थे। ऐसे हालात के अंदर वो जमात खाना न बना सके, वो नांदी वगैरह का इंतजाम न कर सके, वो घटपात न पी सके, वो सुकृत न बना सके, वो मजहब की वो क्रियाकर्म जो आज हम कर रहे हैं वो न कर सके, क्योंकि जान का खतरा था। खुद मर जाते थे कोई बात नहीं, लेकिन बाल बच्चे साथ मर जाते थे। इन हालात में भी उन्होंने अपना ईमान सलामत रखा। कैसे बहादुर होंगे वो लोग, इन हालात में भी उन्होंने अपना ईमान सलामत रखा। जो जीव जावे शाह का नाम ना छोड़ूं, दर सिर करवत अंग न मोड़ूं, गर्दन पे तलवार आ जाए मैं मुंह नहीं मोड़ूं। ऐसे लोग थे, उन्होंने जाने दी, और मैंने उनके हालात सुने, सुनाने वाला भी रोता था और ये सुनने वाला भी रोता था। ऐसे ऐसे जुल्म हुए हैं। मैं एक्चुअली एक बात करूं, छेली यानी बात बम नहीं करता
पहले लड़ाई 1914 में हुई, जर्मनी के साथ तुर्की मिल गया टर्की। उस वक्त सारी दुनिया के जो मुसलमान थे, टर्की उनका हेड था, और जो टर्की का जो बादशाह था सुल्तान अब्दुल हमीद, उसको खलीफा कहते थे। ये उस्मानिया खानदान था और सारी दुनिया के ऊपर इसका खलीफापन मजहब के तौर पे माना जाता था। टर्की जर्मनी के साथ, कैसर के साथ मिल गया। दुनिया भर में हजर इमाम लंदन रहते थे और इंग्लैंड के बादशाहों ने, इंग्लैंड की हुकूमत ने हमारे मौला की बड़ी कदर की। इसके अलावा वो जवक्त सारी दुनिया में पावरफुल राज ब्रिटिश का था और बहुत से यानी लाखों मुरीद हजर इमाम के ब्रिटिश राज में रहते थे। इमाम बेहतर जानता है कि क्या होगा और क्या होने वाला है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शहदातार ने फरामाइन भेजे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जीत के लिए दुआ मांगो। ये चीज वापस 1939 में जब दूसरी लड़ाई लगी तभी भी तालीके मुबारक आए कि ब्रिटिश की जीत की दुआ मांगो। एनीवे, तुर्की उसके साथ मिल गया, जर्मनी के साथ, यूरोप की हुकूमतें और अमेरिका की मदद के साथ लड़ाई चालू रही और आखिर तुर्की ने मार खाई, जर्मनी ने मार खाई, पैसा खत्म होने लगा। किसी ने जाके सुल्तान अब्दुल हमीद को कहा कि यहाँ सीरिया में इस्माइली बहुत हैं आगा खान को मानने वाले, उनके पास 2 लाख से ज्यादा पाउंड जमा है, आदमी भेजे। मुखी को और दाई को, दाई यानी जो उस जमाने में हमारी तरह आवाज करते थे, ये 2 इन्फ्लुएंशियल आदमी थे जमात के, उनको बुलाया गया। गवर्नर ने, सलमिया के गवर्नर ने बुलाया, हमने सुना तुम्हारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारा खान के मुरीद हो, हाँ है, तुम उसको पैसे देते हो, देते थे, लेकिन अभी लड़ाई का जमाना है, कुछ 2 लाख रुपया 2 लाख पाउंड उन्होंने जमीन में दफन कर दिए थे। गवर्नर माना नहीं, हुक्म किया इन दोनों को जेल में डाल दो। जब मुखी को और दाई को जेल में डाला, जमात में खड़बड़ाहट हो गई। 2 जवान इन्होंने तय किया कि हम हिंदुस्तान जाके हाजर इमाम को खबर करें। अभी वो जमाना लड़ाई का जमाना और दुश्मन राजा, आज ही रात को ये 2 निकले, एक ये साइड से निकला कि इस साइड से, कि जो भी दोनों में से पहले पहुंच जावे वो इमाम को खबर करे। 1916 की बात है। एक आदमी उनमें से बॉम्बे पहुंचा, जमात में आके मुखी को मिला और बात की कि मैं सलमिया से आया हूं, पांव से आवे, दिन को दरख्त पे जाके छुप जावे, चढ़ जावे, रात को सफर करे, 4 के 5 के 6 महीने मालूम नहीं, लेकिन कई महीनों के बाद बम्बई आया। इमाम के हुजूर में अर्ज की गई, मौला ने उसको बुलाया, मौला को सब बात कही कि ये बात है ऐसा। उस वक्त हमारे हाजी खड़े थे जो इमाम के साथ मौलाना असद अली शाह, मौलाना अली शाह, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की खिदमत करते थे। हाजी कामड़िया, शेख खुदा, सुल्तान अब्दुल हमीद को बोलो तुमने मेरे मुखी और दाई को जेल में डाला है, वल्ला हम तुम्हारी सल्तनत के टुकड़े कर डालेंगे। अब हाजी कामड़िया कहां जाएगा तुर्की उसको देने के लिए? लेकिन क्या था, इमाम के मुख में से सुखन निकल गया। इमाम के लबों से जब कोई लफ्ज निकलता है तो सारी कायनात के अंदर चेंजेस हो जाते हैं, सारी कॉस्मोस के अंदर हालात बदल जाते हैं, क्योंकि उसके मुंह से जो निकला वो कुन है। ये वही कुन है कि जिससे कायनात, ये क्रिएशन पैदा हुई है। हजी कामड़िया, जी खुदा,
सुल्तान अब्दुल हमीद को बोलो तुमने मेरे मुखी को मेरे दाई को जेल में डाला, वल्ला हम तुम्हारी सल्तनत के टुकड़े कर देंगे। और टुकड़े हो गए, टुकड़े हो गए सल्तनत के, क्या उसके खुद के टुकड़े हो गए, उसकी फैमिली के टुकड़े हो गए, नामो निशान मिट गया। लेकिन अफसोस वो मुखी और वो दाई जेल में भूखे मर गए। हमारा मजहब, हमारा दबदबा, हमारा ईमान, हमारी मोहब्बत वरना हजर ईमान के ऊपर जो है दिनदार हो, जान कोई चीज नहीं उसके साथ, जान कोई चीज नहीं, इसके ऊपर हजारों जाने कुर्बान है। हम अपनी हजर ईमान की जो नूरी कंडीशन है ना, उस तक हम अभी गए नहीं, हमारी इबादत कम है। ये चीज हमें सुबह 4 बजे मिलती है कि नूर क्या है। अरबी जबान के नूर में इसकी जो लाइट है ना, इसको भी नूर कहते हैं। लेकिन जो खुदा का जो नूर है दीनदारों, उस खुदा के नूर के अंदर सिर्फ लाइट नहीं, 99 नेम जो खुदा के हैं, जिसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, उसकी सिफतें कहते हैं, वो तमाम की तमाम सिफतें नूर में हैं। रहमत है, करामत है, रबूबियत है, रहमानियत है, अदल है, इंसाफ है, वो रऊफ है, वो करीम है, वो आदिल है, वो हनीफ है। तो तमाम सिफतें जो खुदा ताला ने कुरान शरीफ में अपने नामों का जिक्र करके कही, वो सारी की सारी सिफतें नूर में हैं। और ये नूर के अंदर जब हमको कुछ मिलता है तो वो थोड़ी थोड़ी वो सिफतें भी मिलती हैं। इबादत करने वाला आदमी जो होता है उसमें रहम होता है, इबादत करने वाला आदमी इंसाफ पसंद होता है, अदल होता है। जिस तरह खुदा रब है, ऐसा इबादत करने वाले आदमी के अंदर रबूबियत का अंश भी होता है। खुदा का हर जब्बार है तो मोमन के दिल में, इबादत करने वाले के दिन के अंदर भी कहर और जबर है। अभी कहर और जबर कहां करेगा, शैतान के सामने, बदी के सामने, गुनाह के सामने। तो वो तमाम सिफतें जो खुदा ताला की हैं, वो उसमें नूर में है। जब हम इबादत करते हैं और नूर की शनाखत करते हैं तो उन सिफतों में से थोड़ा थोड़ा हमको दिया जाता है, इसलिए हमारे दिल साफ होते हैं, पाक होते हैं। और हमारे दिल साफ पाक होते हैं उस नूर की वजह से फरिश्ते रूहानियां हमें सलाम करती हैं। है ना ज्ञान में, तेने देवलोक प्रणाम करे, उसको देव लोग यानी फरिश्ते सलाम करते हैं, फरिश्ते उसका हुक्म मानते हैं। शैतान की कोई ताकत नहीं कि उसके सामने आ सके। हमारे पास सब कुछ है, बंदूक है, गोलियां भी हैं, लेकिन हम बंदूक को हाथ नहीं लगाते, डरते हैं कि यहीं मेरे हाथ न जल जाए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सखी। महापद की रिवाज, ये महापद बैतुल ख्याल है, जिसमें हम कमजोर हो गए हैं। हम मौला के पास जाके बोल ले आते हैं मगर फिर सो जाते हैं। आप कभी हिस्ट्री पढ़ो तो मुर्तजाली से नहीं लेकिन मुर्तजाली से भी पहले हमारी जमात, ऐसा नहीं है कि नबी मोहम्मद के टाइम से चली, हजरत ईसा अलैहि सलाम के जमाने में भी हमारी जमात थी, मूसा अलैहि सलाम के जमाने में भी हमारी जमात थी, नाम जुदा था। आज हमको इस्माइली कहते हैं, उस जमाने में हमको इस्माइली नहीं कहते थे, उस जमाने का कोई नाम होगा। ये जो हम नांदी, देखो नांदी हम रोज लाते हैं, पता है नांदी क्या है, हम जो घर में खाते हैं हाजिर इमाम के लिए पहले हम प्लेट निकालते हैं फिर बच्चों को देते हैं, ये मेहमानी है। मैं आज 5-6 दिन से यही कहता आया हूं जमात को कि मौलाना हजर ईमान की जो मेहमानी है, ऐसा नहीं समझना कि हमारे पीरों ने हमारे ऊपर थोप दी है। नबी जब मक्का छोड़ के मदीने आए और इस्लाम का फैलावा हुआ, लोग नबी से प्यार करते थे,
मदीने की औरतें खाना पकाती थी तो बच्चे रो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा पोर्शन निकाल के खाविंद को या भाई को या बेटे को कह जा, नबी को दे गया, तो वो ताजा ताजा खाना नबी को जाके देते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता गया, ये भी बहुत बढ़ गया। तो असहाबे सुफा वो लोग थे कि जो दाई थे, मजहब की इशायत के लिए जो काम करते थे, 360 जितने थे, इनको नबी बुला लेते थे और खाना खाते थे साथ बैठ के। ये उनको ये झूरा मिलता था। झूरा जो है, हाजिर इमाम खाते खाते एक लुकमा तुमको दे रहे, वो झूरा है। भले कोई आदमी मुखी साहब को बोले कि मैं झूरे का सारा खर्च दूंगा, तो उसको ये मेहमानी का सवाब मिला, लेकिन झूरा हाजिर इमाम की तरफ से है, मुखी कमरिया की तरफ से नहीं, किसी उम्मीदवार की तरफ से नहीं, झूरा इमाम की तरफ से है। ए मोमिनो, 18 बरस का एक गरीब लड़का, खद्दी के कपड़े पहने हैं और नहीं था, नहाते वक्त वो कपड़ों के साथ ही नहा लेता था और नचोड़ के पहन लेता था, इन्हीं कपड़ों को पहने हुए कपड़े सूख जाते थे। कच्छ छोड़ के बंबई आया, इधर आके मैं कुछ मजदूरी करूं, बूढ़े माँ बाप को पालू। बंबई आया, काम कर कुछ नहीं था, एजुकेशन नहीं थी, क्या करे, उसको ये सूझा, दो चार आने कुछ बचे थे उसके चने लिए और चने भून के पूड़ियां बना के चने बेचता था। आज आपको मालूम है कि एक इस्माइली हिंदुस्तान में सबसे मालदार आदमी है, उसको आज दूसरे लोग ये कहते हैं कि वो सेकंड बिल गेट है। इसका परदादा, उसकी दुकान थी डुंगरी के ऊपर, जिधर आज बॉम्बे के अंदर इस्माइलिया कोऑपरेटिव बिल्डिंग खड़ी है, इसके सामने ऐसा कोना है, यहां इसकी दुकान थी। उधर जाके कहता है, आप मेरे को रजा दो, मैं इधर सड़क के ऊपर ये चने बेचूं, बड़े अच्छा बेचूं, यहां चने बेचने शुरू किए। मोमन था पक्का, हर रोज सुबह शाम जमात खाने जाता था। अगर उसको दो आने मिले हैं तो उसमें से पहले 10 वन निकाले फिर खावे। 10 वन की बरकत, ईमान का जोश, ईमान की मोहब्बत इसको ऊंचा उठाई, ऊंचा आ गया। 8-10 महीने के बाद मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाहिंदिया आए, हर साल आते थे माँ को मिलने के लिए, लेकिन जमात को दीदार मिलता था। इसने सुना था हाजिर इमाम को हाफिज आम बहुत पसंद है, तो दिल में एक तमन्ना पैदा की कि किसी दिन मैं भी मौला को हाफिज आम खिलाऊं। मेहमानी रखने की ताकत नहीं थी, बड़ी मुश्किल से इसने 12 आने इकट्ठे किए, और उस जमाने में काफी से बड़ी रकम थी, पता नहीं कितने महीने लगे हुए थे इसको 12 आने इकट्ठे किए। उधर एक क्राफ्ट मार्केट में, फ्रूट की मार्केट में, एक इस्माइली की फ्रूट की दुकान थी। अलग सभा दुआ पढ़ के न्यास पी के पांव से क्राफ्ट मार्केट गया और इंतजार करता रहा। जब वो आया, रजब अली नाम था उसका, रजब अली का बेटा मेदी दरखाने का मुखी बना था, हाथ जोड़ के कहता है, मेरी एक अरज है। कपड़े उसके ऐसे थे, क्या है, मेरे को हाफिज आम चाहिए, नवंबर महीने में हाफिज आम मिलते हैं मार्च के अंदर, तो ये बोलता है कि हाफिज आम कहां से मिलेंगे, मैंने सुना है कि आपके पास हाफिज आम आया है, तो क्या है, कहते देखो मुझे मौला के लिए लेने हैं। ओ, मौला का नाम सुना, नाम
वाला छे, इसको 12 आम दिए, साफ करके लपेट के छोटी सी टोकरी बना दी, बहुत खुश हुआ। अभी इसके पास पैसे नहीं थे कि बांद्रा जावे, वो जमाने में मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह बांद्रा में ठहरते थे, आज भी वो बंगला उनका है। ये पांव से निकला, सुबह निकला, दोपहर को 1 बजे शायद पहुंचा उधर, तड़के की सख्त धूप की वजह से पसीना पसीना हो गया और पांव में चंपल जूते कुछ नहीं थे, नंगे पांव, क्योंकि पैसे ही नहीं थे। तो वहां गया, अभी जा रहा है, इसको पहले पता नहीं था कि बंगला कहाँ है, लेकिन उस रास्ते पे था, अंदर बंगले के अंदर मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाहजादा की माँ टेबल पे बैठी है और खाना निकल निकल के अपने बेटे को खिला रही है। देखा तो आज आम नहीं है। मौला ने पूछा, आम नहीं आया आज? माँ कहती है कि आज आम नहीं मिले। एक नौकर को कहा, देखो तुम बाहर खड़े रहो, कोई आम लेके आएगा तो लेके आना। अब ये क्या समझा कि कोई बेचने वाला आएगा, हाथ में पैसे लेके खड़ा रहा। दूर से देखा कोई आदमी सिर पर टोपली रखे हुए चला आता है, भाग के गया, आम है? कहते हाँ, लाओ जल्दी से। उसने कहा कि ये मौला के लिए है। कहते हाँ, आम लेके अंदर भागा, धो धा के प्लेट में रख के इमाम के सामने रखे, खुश हो गया, मौला खुश हो गया। माता ने, माँ ने आम काटे, इसने खाए, एक दो टुकड़े खा के पूछा, कौन लाया? कहते सब बाहर एक आदमी है। तो अभी माता भी उठी उसको पैसे देने के लिए, वो कहते नहीं, मैं मौला के लिए लाया, मेहमान ही लाया। आके साहब को कहा, फरमाया उसको बुला, उसको कहा भाई अंदर आ, पांव में जूते नहीं इसलिए आधे इंच की तो धूल जमी हुई है, इतना चल के आया, पसीने से कपड़े बिगड़ गए, बू आती है, ऐसी हालत में वो हिम्मत करे अंदर जाने की। अंदर जाके कहा सरकार वो नहीं आता, माँ को कहा उसको लेके आओ। माता सलामत गई, उसको जबरदस्ती लेके, हुक्म है मौला का, तू अंदर आ। चलो जाने से पहले पांव धोए, हाथ मुंह धोया, अंदर आया, खाना आबाद, खानाबाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आम है, आम खावे और दुआ दे। माँ को कहते इसको टेबल पे बिठाओ, जिस टेबल पे खुद मौला बैठे हैं। मौला कहते हैं माँ को कि इसको टेबल पे बिठाओ, प्लेट दो, खाना खाए। किसकी किसकी हिम्मत हो, बैठा, माँ ने खाना डाला लेकिन खा नहीं सका। अपना खाना, इसमें से इमाम ने उसको खाना भेजा, ये जुड़ा है। इमाम जब खाता है और हमको उसमें से कुछ लुकमा देता है दीनदारों, वो जुड़ा है। जमात खाने में जो जुड़ा मिलता है तो वह ये है। मैं बहुत बरसों से कह रहा हूं जमातों को कि जुड़ा छोटा बनाओ, इतने बड़े बड़े जुड़े के खीसे में आते नहीं, पूरा होता नहीं, इतनी बड़ी चॉकलेट है बहुत से बूढ़े खाते नहीं, 8-10 चॉकलेटें इकट्ठी करके जमात खाने ले आते हैं, ऐसा कभी मत करना। जो जुड़ा मिलता है उसको कुछ भी करके, थोड़ा थोड़ा करके भी खा जाओ, कभी भी उसको वापस जमात खाने में नांदी मेहमानी तौर पर नहीं लेना, ये बर्बादी की निशानी। क्योंकि हजरत इमाम ने जुड़ा दिया, आप वापस उसको कहते हो तो वापस ले ले, ऐसा कभी नहीं करना। जुड़ा खाओ, दिल पाक होएगा, बरकत मिलेगी। जुड़ा खाओ, बच्चों को खिलाओ,
घर में जुड़ा आया है, बरकत मिलती है। उस इमाम ने खाते खाते उसको आम भेजा, खाना भेजा, सिर्फ मुंह में डाल सका मगर खा नहीं सका, क्योंकि हिम्मत नहीं होती थी। चला द्वाशीस लेके चला गया। 3 बरस के अंदर लखपति बना, 3 बरस के अंदर आटे की मशीन बनाई, आटे की फैक्ट्री बनाई, मालदार हुआ, दरखाने जमात का मुखी मेघजी मूर्ची बना, दरखाने बॉम्बे दरखाने का मुखी। और जब वो गुजर गया तो इमाम ने हुक्म किया कि मुखी और मुखियानी की फोटो, वो उधर टावर है बॉम्बे के अंदर, वहां टावर में रखी जाए। ये एक भिखारी की तरह का लड़का इमाम को खाना खिलाया, उसका झुरा खाया, कहां पहुंचा? और हम अपने झुरे की कदर भी नहीं जानते। झुरे की बहुत इज्जत करो और झुरा जहां तक बन सके जरूर चखो और थोड़ा थोड़ा करके पूरा करो, लेकिन झुरे की इज्जत करो। रोजी रिजक में बरकत होगी। इमाम जो है वो छोटी सी चीज भी, एक चोखे का चावल का एक दाना कभी हमारा खा ले तो हमको दीन और दुनिया की दौलतें मिले। हमारे बाप दादाओं को क्या किया अली अलहसन अली शमा बाप ने, लोगों के घरों में गए, कहीं कच्चे चावल खाए, कहीं बाजरे के दाने खाए, कहीं साहब ने जो खाया और दुआएं दी। उनकी बरकतों के कारण से आज 5-6 देखो, आपके मकान देखो, आपकी मोटर देखो, क्या ये राज नहीं? आप जन्नत में नहीं रहते? सारी दुनिया घूमा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ए मोमिनो, इस्माइलियों जैसा सुखी और कोई नहीं है, कोई कौम नहीं है। मैं फखर से किया करता हूं, 124 मुल्क देखे लेकिन कहीं एक इस्माइली रस्ते के ऊपर भीख मांगता नहीं देखा। ये इमाम की खाना बजान की हमारी दुआ बरकत है। चाहे कैसे भी हैं लेकिन एक इस्माइली भी रस्ते पे भीख मांगते हुए मैंने कभी नहीं देखा। क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब कौम के लोग किधर न किधर भीख मांगते हैं, इस्माइली नहीं। क्योंकि हमारा मौला जो है वो दीन और दुनिया का बादशाह है, इसको राजी करो, इसकी खिदमत करो। आज जो फरमान पड़े गए सेवा के ऊपर, सेवा का ये मतलब नहीं कि जमात खाने में अब फलिया निकालो, झाड़ू निकालो, ये सेवा है, लेकिन इसमें पूरी नहीं होती। सुबह की इबादतें वो भी सेवा है। अरबी जबान के अंदर खुदा ताला ने इबादत को इस तरह जिक्र किया है कि इबादत यानी खुदा ताला की याद, खुदा ताला के लिए कुछ भी काम वो सेवा में आता है। जमात खाने की खिदमत जो है ये इबादत में शामिल होती है। किसी भी तरीके से कभी एक इस्माइली भाई ने दूसरे की खिदमत की है तो हजर इमाम की इबादत की है। किसी भूखे को खाना खिलाया है तो इमाम की इबादत है। ये मैं बहुत दफा कहा करता हूं कि वीक में एक दिन जरूर अपने किसी भाई को दावत दो, दूसरे को खाना खिलाओ, किसी को इनवाइट करो, अपने भाई बहनों में से किसी न किसी को वो खुश रखा है। रिजक वो देता है, लेकिन हमारी मारिफत से हम किसी को अपने घर पे दावत देते हैं तो रिजक तो वो देता है, लेकिन उसने वो रिजक मेरे घर में भेजा कि मैं उसको खिलाऊं, रिजक उसका है। लेकिन मैंने उसको ये दावत दी तो मैंने मौला की खिदमत की, मौला का काम किया। कराची के अंदर मसाला वाला सोसाइटी है, वहां जमात खाने में इस टॉपिक पर मैं वाज करता था। ए मोमिनो, आप अपने रिजक में से किसी को खिलाओ। वाज करते करते मैंने एक जोक किया, और कोई नहीं मिले तो मुखी कमरिया को घर ले जाओ लेकिन खिलाओ।
एक दूसरे को खिलाने से मोहब्बत बढ़ती है। सुबह का वक्त था, मुर्तजाली अपने घर के बाहर ऐसा करके बैठे हैं। चार पांच मकान दूर एक यहूदी रहता था, उधर से निकला, खड़ा हो गया। याली, क्या बात है आज इस तरह अफसोस से बैठे हो? कहता, तीन दिन हुए मेरे घर पे कोई मेहमान नहीं आया। कितना अफसोस उसको हो रहा था मौला को कि तीन दिन हुए मेरे घर पे कोई मेहमान नहीं आया। वो इस तरह से बैठे थे जैसे कोई गुजर गया घर में। इमाम जमान की जो मेहमानी है वो हमें बरकत देती है, इमाम जमान की मेहमानी हमें बरकत देती है, आफत और बलाओं से बचाती है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि हम एक दूसरे की मेहमानी करें। कभी गैर कौम का भी आदमी है और आपके दरवाजे पे आके कहता है कि मैं भूखा हूं, उसको खाना खिलाओ, क्योंकि वो खुदा का बंदा है। भले इस्माइली नहीं तो क्या हुआ, खुदा ताला ने हमारी इनकम के पांच हिस्से किए हैं, उसमें से एक हिस्सा 20% उसको हुम्स कहते हैं। कुरान शरीफ की जबान में हुम्स कहते हैं। हुम्स में मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ये खुलासा करते हैं, मौला कहते हैं कि हुम्स के अंदर से उश्र इमाम का हक है। उश्र यानी 10%, 2.5% जकात जो है वो पीर का हक है, जमात और मजहब का हक है। अब बाकी 7.5% जो है हम तो देते भी नहीं, हमें पता भी नहीं। बाकी के 7.5% हमारे नहीं, अल्लाह रसूल कहते हैं, इमाम कहते हैं कि ये बाकी के 7.5% जो है ना, वो तुम्हारे किसी कोई सगा कुटुबी तकलीफ में है, उसकी मदद करो। और अगर कोई सगे कुटुंबी में कोई नहीं है तो पड़ोसियों के अंदर देखो कि भाई ये तीन चार मकान छोड़ के और सख्त गरीब हैं, उनकी मदद करो। इनमें से कोई नहीं मिलता तो किसी भी जगह ह्यूमन सर्विस में दो, लेकिन 7.5% अपनी आमदनी में से खैरात में खर्च करो। अगर हम नहीं करते तो ये 7.5% रहेंगे नहीं, दूसरा माल भी लेके चले जाएंगे। हमारे ऊपर 20% अपने आमदनी में से खर्च करने का हुक्म है। जमात खाने में कुछ अपने फंड फाड़े में दे दिया तो वो 7.5% में आ सकता है। अगर खान फाउंडेशन में कुछ दे दिया तो दूसरे मुल्कों में गरीबों के अंदर, इस्माइलियों के अंदर काम आता है, वेल डन, वेरी गुड। लेकिन खैरात करो, मदद करो, ये सेवा है। सेवा सिर्फ यही नहीं कि वॉलंटियर का लिबास पहन के खड़े होकर हम सेवा करते हैं, ये काफी नहीं है, है सेवा है, सेवा है। लेकिन सेवा के अंदर हम्बल होना चाहिए, सेवा में मगरूरी नहीं होती। मैंने आंख से देखा है, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह बॉम्बे दरखाना जा रहे हैं, मैं उस दिन लेट हो गया, थोड़ी देर हुई तो सायरन बजा, विसल हुई, मैं साइड में खड़ा हो गया, बोला कि गाड़ी आई। अब हुआ क्या कि जब गाड़ी आई, विसल बजी, तो लोग जरा पैनिक हो गए। उस साइड पे अभी इमाम की गाड़ी जा रही है, राइट साइड में मुड़े तो यहां जमात खाना है, तो अदर साइड में एक मोमना औरत एक बच्चा उठाया है, दो के तीन बच्चे उसके पीछे हाथ पकड़े हुए एक दूसरे के। अब उसने देखा नहीं, घबरा गई तो उधर से दौड़ी क्रॉस करने के लिए। मौला की गाड़ी नजदीक आ गई तो उधर जो वॉलंटियर ड्यूटी पे था उसने उस औरत को इधर से पकड़ा और घसीट के पीछे लिया। ओह, गाड़ी में से उतर आया मौला बाहर, माँ बाप सख्त गुस्से हुए। अभी अभी मौला रास्ते की बात है, लकी रेस्टोरेंट के सामने चार ये रास्ते मिलते थे,
मौला गाड़ी से बाहर गुस्से में आके कहते हैं, तुम वॉलंटियर यूनिफॉर्म इधर इधर उतार दो, उधर सेम प्लेस। अब वो थरथरा रहा है, रो रहा है। उसने बटन खोले, टाई निकाली, पार्टलून निकाली, अंदर उनको हुक्म है कि नीचे पाजामा रखना हमेशा। रस्ते पे हजर इमाम ने उसकी यूनिफॉर्म निकाल डाली। मौला कहते हैं, मेरे बच्चे आ रहे हैं, तुम उसका हाथ पकड़ के घसीट के ले जाते हो, किस टाइप के तुम वॉलंटियर हो? हमारी गाड़ी रोको, लेकिन मेरे बच्चों को जाने दो। मेजर पीर मोहम्मद वीरजी माधानी, कैप्टन लखपति हाथ जोड़ रहे, ओला गाड़ी में बैठे, ऊपर गए। ऊपर गए, फरमान किए, थोड़ा ठंडा हुआ मौला। मेजर पीर मोहम्मद आगे आया, बहुत रोता है, माफ करते। मौला ने कहा, अच्छा जाओ माफ, लेकिन वॉलंटियर्स को कहो हमारी गाड़ी रोको, स्टॉप करो, लेकिन हमारे बच्चों को इज्जत के साथ ट्रीट करो, यूनिफॉर्म पहन के हमें मजबूरी नहीं बल्कि हम्बल हो जाना चाहिए। जो आदमी सेवा करता है वो खुशनसीब है कि उसको इमाम के घर की कुछ खिदमत मिली, उसमें कोई बड़ाई नहीं है, उसमें मगरूर नहीं होना चाहिए। और सेवा जो है उसका दर्जा इबादत जितना है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक तालिका भेजा था काउंट पारू के ऊपर कि जो सेवा का जो दर्जा है वो इबादत जितना है। इबादत में अगर कोई उनप रह गई, इबादत में कोई वीकनेस रह गई, कुछ खामी रह गई, तो सेवा उस खड्डे को भरती है। लेकिन सेवा करें और इबादत न करें वो नहीं चले। इबादत करो, सेवा भी करो। और सेवा करोड़ों तरीके से है, सैकड़ों हजारों की बात में कितने तरीके हैं उसके। मैं कभी जमात खानों में वाजों के अंदर कभी रो पड़ता हूं, इसलिए कि दिल भर आता है। मैं ये जिक्र कर चुका हूं, हमारे एक मिशनरी थे हाशिम पांडा कौड़ा वाले, कानी मोहल्ले का जमात खाना है, सुबह 3 बजे वाइज हुई, 3:30 बजे वाइज की उसने मिशनरी हाशिम ने। वाज करके बैठे, किचन वगैरह हुए, मेहमानियां शुरू हुई, तस्बीह निकली, 4 बजे अंधेरा हुआ। अभी ये काली मोहल्ले का जिसको आज करीमाबाद कहते हैं, बॉम्बे की बात है, तो हम दोनों मिशनरी, क्योंकि गर्मी बहुत थी, हम दोनों उठ के तो सामने जाके बैठे पंखे के नीचे, आंखें बंद की, जाप को याद किया। अभी इसकी उस लेफ्ट साइड में एक आदमी था, हबीब इस्माइल, मोमना था, उसने पांव में कभी जूती नहीं पहनी, पैसे ही नहीं थे, सारा दिन फेरी करता था, 2-2.5 आने मिलते थे, 10 वन दे के जो पैसे बचते थे ना वो सबके सब डाल देता था, खीसे में रखता नहीं था। ये हबीब भाई उस वक्त इसकी उम्र कुछ 65-70 वर्ष की थी, भरा हुआ बदन था, लेकिन उसके मुंह के ऊपर भोलापन था, शैतानी ने वो कनिक आइब नहीं होता ना, उसका मुंह और किस्म का होता है, इसका मुंह एक 6 महीने के बच्चे की तरह खिला हुआ नूर बरसता था। इसके पास आके बैठा, अब मैं यहां कोमा करता हूं, पूरा नहीं करता, इस आदमी को मैंने अपनी आंख से देखा है, कपड़े की थैली यहां रख के जमात खाना पूरा हो जाए तो ये ऐसा घूमे, जुड़े की कोई चीजें, कागज, ये ऐसी कोई चीजें पड़ी हो ना तो उठा के वो थैली में रख दे।
मैंने एक दिन पूछा, अभी भाई कैसे हो? कहते बापू मने कौन सेवा आपे है? ऐसे मने हम थियों कि चलो हूँ जमात्मा कहीं कचरो पड़े लो हो तो ये उसकी सेवा, लेकिन सुबह की इबादत में वो शेर था। अंधेरा शुरू हुआ, 5-7 मिनट निकले, नाना मने न थिया हुआ, बोलने लगा मोमना था न मने न थिया हुआ। तो हमारे ये मिशनरी आशम भाई उसको ऐसा हिला के कहते हैं, अरे भाई सोचे कि मैंने तेड़वा आयो छे तो जाओ ना, वो क्या समझा के नीचे से कोई आदमी उसको बुलाने तो जाओ ना। इन इसकी गोद में सिर रख दिया, गुजर गया, एक सेकंड में गुजर गया। क्या मोमन की मौत थी उसकी, कोई रिश्तेदार कोई उसका लेन देन वाला जिंदगी में कोई नहीं था, लेकिन आला दर्जे का मोहम्मद। 1942 आज 2004 62 बरस के बाद इस मोमन का एक मिशनरी जमात खाने के अंदर जिक्र कर रहा है। इस मोमन का हमारा मजहब जो है नूर का मजहब है, हमारा मजहब जो है इमाम जमान के कदमों में होता है। हम ये दुआ पढ़ना, जूरा खाना, तस्बीह निकालना, ये अच्छी चीजें हैं कि जिससे हमें रूहानियत मिलती है, बहुत जरूरी है, ये प्रिक्स हैं। लेकिन हकीकत क्या है हमारे मजहब की? इमाम की मोहब्बत, उसकी मोहब्बत, अब मोहब्बत को जाहिर करने के लिए उसकी सेवा, किसी भी तरीके से हम उसको खुश कर सके, राजी कर सके, और वो छोटी बात के ऊपर भी राजी हो जाता है, छोटी बात के ऊपर। ऐ मोमिनो, हमारे सारे मजहब का जो नचोड़ है तो वो यह हज़रत इमाम की मोहब्बत है, और जो मोहब्बत वाला होता है वो तो जान देने को भी तैयार होता है, और जो सेवा करते हैं उनको नूर मिलता है। वॉलंटियर बन के सेवा करना बहुत बड़े दर्जे की बात है। हमारी वॉलंटियर कोर 1919 में शुरू हुई, बॉम्बे की वॉलंटियर कोर, और हमारे वॉलंटियर्स ने बहुत काम किए हैं। लेकिन लाजिम नहीं है कि वॉलंटियर ही बन के सेवा होती है, दीनदारों सेवा के हजारों तरीके मैंने आपको कहा। हमारे घरों के अंदर नांदी के भाने होते हैं। दरअसलम में एक आदमी गुजर गया, उसका कोई वारसदार कोई नहीं था, दफन कर रहे उसको। बाद में जमात के कुछ आदमी उसके घर गए तो देख के हैरान हो गए कि 2 रूम भरे थे जमात खाने की प्लेटों के। वो जो सानी ले जावे, सानी कहते हैं प्लेट में स्वाइली को, वो जो ले जावे कभी वापस नहीं लावे। 10-20 बरस के अंदर 2 रूम भरे हुए थे। अभी मैंने ये बात क्यों कही कि हम जब प्लेट ले जाते हैं वो इमाम का माल है, इस प्लेट को हमें यूज नहीं करना चाहिए, और कभी हम यूज करते हैं तो 2 सेंट डाल दो और जल्दी से ये मैटर वापस आ जानी चाहिए। अभी उसके उसकी रूह का क्या हाल हो रहा होगा, जमात के इतनी प्लेटें कि 2 रूम भर गए, और हर दफा दारुसलाम के कुछ लोग इधर बैठे होंगे तो उनको पता होगा, खासतौर पर मुखी कमड़िया को जब ये शिकायत मिलती थी तो 9 बर्तन आ जाते थे लेकिन बर्तन रूह हो जाते थे। तो ये सेवा के विरुद्ध की बात कर रहा हूं कि सेवा तो करनी चाहिए, लेकिन कभी हम ऐसा काम करते हैं कि जो सेवा के विरुद्ध है तो हम गुनहगार होते हैं।
جماعت خانے کا بہت ادب کرو کیونکہ یہ حضرت امام کا گھر ہے. ادب سے بیٹھو, عزت سے بیٹھو. جماعت خانے کے اندر آ کے ہم مولانا حضرت امام کی فیملی, جس کو ہم روحانی بچے کہتے ہیں, یہ روحانی فیملی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم غیروں کو اپنے جماعت خانے میں نہیں آنے دیتے, امام کا حکم ہے, کیونکہ یہ روحانی فیملی ہے. اس وقت آپ بیٹھے ہو دیندارو, میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں, آپ سب میری نظر کے سامنے ہو, میں نور کی بارش دیکھ رہا ہوں. آپ کے اوپر نور برستا ہے, امام کی صفت سن رہے ہو, امام کو یاد کر رہے ہو, امام کی باتیں کر رہے ہو, امام کے گھر پہ بیٹھے ہو, واللہ باللہ آپ کے اوپر نور کی بارش ہو رہی ہے. اور جماعت خانے میں نور کی بارش ہوتی ہے. کسی نہ کسی طریقے سے بندگی بھی کرو اور سیوا بھی کرو, اور اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرو. سارا دن یہ خیال کرتے رہو کہ میں مولا کو کیسے خوش کروں. نبی کریم بیٹھے ہیں, اصحاب بیٹھے ہیں, ابو ذر غفاری آیا ہے. ابو ذر غفاری علی نبی کو بہت پیار کرتا تھا. جب اس سب اٹھ کے چلے گئے تو آیا نزدیک, یا نبی میرے گھر چلو. کیوں؟ میں نے پائے کا سوپ, گائے کے پائے کا سوپ بنایا ہے, گائے کا پایا اس کا سوپ بنایا ہے, آپ میرے گھر چلو. اچھا میں عائشہ کو کہتا ہوں, نہیں عائشہ نہیں چاہیے. کیوں؟ نہیں عائشہ نہیں چاہیے. نبی کہتے ہیں اچھا تو میں نہیں آتا. اچھا اٹھ کے چلا گیا. نہیں عائشہ کو مت لاؤ اس کی انسسٹنس کرتا تھا. نبی کہتے ہیں نہیں میں اس کے بغیر نہیں آؤں گا, تو چلا گیا. دروازے پہ جا کے واپس آیا, عائشہ سے کہتے یار ابھی چلو نا, میں عائشہ کے بغیر نہیں آؤں گا. پھر چلا گیا. تیسری دفعہ واپس آیا, اچھا اچھا یا نبی عائشہ کو بھلے لاؤ. تو ابھی بھی عائشہ ساتھ آئی, اس کے گھر گئے, 10-15 بچے تھے اس کے, یعنی اس کے خود کے بچے بھی تھے, دوسرے بچے پوترے تھے, سب کو نکال دیا, جاؤ باہر جا کے کھیلو. دو بیویاں تھیں اس کی, اندر جا کے بٹھایا, بہت خوش ہوا, خوشی سے ناچتا تھا. سوپ گرم کیا, نبی کے سامنے رکھا, نبی صاحب کھاؤ نا, تیرے بچے کدھر ہیں؟ سرکار وہ کھیلنے گئے ہیں. اب اس کا ارادہ کیا تھا کہ پیٹ بھر کے کھائے, سوپ بہت زیادہ نہیں تھا. نبی کہتے ہیں نہیں تیرے بچوں کو بلا, یا نبی آپ چھوڑ دو نا بچوں کو, پلیز کھاؤ, بچوں کو بلاؤ. چلو مجبور ہو کے بچوں کو بلایا, ساتھ بٹھایا, اس کی بیویوں کو بلایا, ساتھ بٹھایا. ابھی ایک چھوٹا سا پیالہ ہے, اس کا دل جلے کہ سب لوگ آ گئے ہیں, یہ پیٹ بھر کے کھائے گا نہیں. کتنے پیار سے وہ تیار کیا اس نے, اور پیار سے کہہ رہا تھا, لیکن نبی صاحب اس کی بات مانتے ہی نہیں تھے. اب جو سوپ شروع کیا تو یہ سارے لوگوں نے سوپ پیا, ابھی بھی پیالہ بھرا ہوا تھا. میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایسے لوگ تھے کہ جو علی نبی سے پیار کرتے تھے, اور اپنے پیار کو کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر کرتے تھے. ہمارا بھی یہ پیار ظاہر ہے. ایسی تو بے حساب باتیں ہیں کہ مولانا حضرت امام کو پیار کرنے والے پیار کرتے ہیں. ایرنگا گیا مولا, 58 کی بات ہے, ایک برس ہوا امام بنا ہے, ایرنگا گیا. دوسرے دن ایرنگا پہنچنے والے ہیں, اناؤنس ہو چکا ہے, ارینجمنٹ ہو چکا ہے. ایک رات پہلے گھر جا کے ایک ودھوا بائی ہے, اس کی
15-16-17 बरस की लड़की, लड़की कहती है, अम्मा मैंने सुना है हजरत इमाम को समोसे चिकन के बहुत पसंद है, तो मैं चिकन के समोसे बना और बैठ बैठ, तेरे को कौन पूछेगा तेरा, तू ये समोसे बना के क्या करेगी, मैं सबको तू क्या खिलाएगी। उदास होके बैठ गई। सुबह जमात करने गई तो मुखियानी ने इस दोषी को बुलाया, अम्मा हाजिर इमाम आते हैं 12 बजे हमारे घर पे लंच खाएंगे, तो तुम मेरी मदद करने के लिए आओगी। लड़की कहती है, माँ को जल्दी करो, हाँ आएंगे। मुखियानी कहती है, हमको एयरपोर्ट पे जाना है तो तुम घर पे आके थोड़ा मदद करो जरूर। अब इसको चांस मिला, सुबह सुबह अफ्रीका नौकर को उठाया, उसको पैसे दिए, चिकन लेके आओ, हलाल किया, साफ किया, कीमा बनाया, समोसे बनाए 11 बजे तक, और फिर ये समोसे तले नहीं, कच्चे समोसे लेके मुखियानी के घर पे गई। 11 बजे तो मुखियानी तो तैयार थी मुखी के साथ, एयरपोर्ट पे चले गए। अब ये माँ बेटियां घर में अकेली रह गई। मुखियानी के किचन में जाके इसने समोसे तले और गर्मा गर्म समोसे बना के जो टेबल तैयार किया गया था मौला के खाने के लिए उसके सेंटर में रख के ऊपर ढक दिया। हम लोग साथ थे मौला के। जब मौला इसके घर पे आए तो सब गाड़ी से निकल के सीधा टेबल पे आए और टेबल पे ऐसा देखा, देख के तो जाके बैठ गए। तो मुखियानी आई, मौला खुदावंद क्या ड्रिंक लूंगा, फलानी चीज, ओके खुदावंद क्या खाओगे, सफरमाया समोसे, या खुदावंद मैंने समोसे नहीं बने, सफरमाया देरी समोसा। मुखियानी को ताजुब हुआ, हजर इमाम खुद उठे, कपड़ा उठा के अंदर समोसे की सारी प्लेट उठा के वहां जाके बैठ। जो मोहब्बत करने वाले होते हैं उनकी मोहब्बत दरवाजा खटखटाती है मौला का, और वो मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करता है, वो मोहब्बत करने वालों का दोस्त है। अल्लाह कहता है, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करता हूं, तुम मेरे से प्यार करो मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं कि सारी दुनिया की जितने भी माएं और बाप हैं उन सब की मोहब्बत इकट्ठी करो तो मेरी मोहब्बत तुम्हारे ऊपर इससे ज्यादा है, वो हमें बहुत चाहता है, इसलिए मोमिनो उसको राजी करो, उसको खुश रखो, अपनी जान देके भी उसको खुश रखो। दीन और दुनिया की बरकतें मिलेंगी, उसके छतर के नीचे रहेंगे, कलयुग की हवाएं हमको बराबर दूर करके रहेंगी, कलयुग की हवाएं हमारे नजदीक नहीं आएंगी, कलयुग की हवाएं हमारी औलाद को नहीं लगेंगी। यारा शहजादीदारी सेवक जुगा जुग जस मोमन के जिन्हें लड़ोई भेद। ये भेद है मौला की सेवा करो, मौला की इबादत करो, मौला से प्रेम करो, बदियों बुराइयों से बचो, दूसरों की मदद करो, एक दूसरे को खिलाओ पिलाओ, खुशी और मोहब्बत से रहो। दीन और दुनिया की मौला आपको नियामतें देवे, खुशियां देवे, दौलतें देवे, रहमतें देवे, बदियों बुराइयों से बचाए, नाफरमानी के काम से बचाए। मौला अपनी मोहब्बत को ज्यादा करे, मौला आपको नूर की बख्शिशें देवे, तंदुरुस्ती देवे, मौला हर आफत बला दूर करे, नेक उम्मीदें पूरी करे। मौलाना हाजर इमाम आपको, आपकी औलाद को 7 पीढ़ी तक अपने घर का मोमन बनाए।